सस्पेंस अकाउंट पढ़ रहे थे, एग्जाम कट से क्वेश्चंस कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन तो बीआरएस का है, सेकंड पेट्रोल अकाउंट, वन क्वेश्चन नंबर 213। आंसर बताएं। जी सी आंसर। सही जी, ऑप्शन सी क्लियर। देखिए ए में क्या, ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटली मैच, ये तो हो गया एरर ऑफ ऑमिशन। बी लिखे डबल एंट्री हैज बीन मेड द रॉन्ग वे अराउंड, जो क्या कंप्लीट रिवर्सल नॉट अफेक्टिंग। सी डिफरेंट फिगर हैज बीन एंटर्ड फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, या फैक्टिंग होगा। डी एक्सपेंस आइटम हैज बीन पोस्टेड टू आवर नॉन करेंट एसेट अकाउंट, ये कौन सा एरर हुआ, नाम बताएंगे। प्रिंसिपल एक्सपेंस को आपने एसेट रिकॉर्ड किया तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। करेक्ट आंसर सी। ये कट चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं। 217। आंसर डी, और डी करेक्ट आंसर डी होगा। अच्छा, तो देखिए एरर ए और एरर डी, ऑप्शन डी दोनों में एंट्री सेम है लेकिन नरेशन में चेंज है। यहाँ लिखे एरर ऑफ ऑमिशन और यहाँ लिखा हुआ एरर ऑफ कमीशन, तो ये एरर ऑफ कमीशन है, इसलिए आंसर ऑप्शन होगा डी। सेम है 218। बी आंसर वॉइस फॉर एडवर्टाइजिंग डेबिट, और बी आंसर सही। 19।
में अफेक्टिंग बताने ने इसमें दो अफेक्टिंग है तो बी आप कह रहे हैं बी 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 कभी भी आ रहे हैं जी भी आप लोग लास्ट में फुल टाइम सन्नाटा बी आप लास्ट में बी सर बी आंसर ए बी सी ठीक है बी आंसर है 1 एंड 3। अच्छा तो आंसर तो बी, इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सारे एरर्स देख लेते हैं। अच्छा एरर वन में क्या लिखा हुआ है? 9,600 पेड फॉर मोटर वैन रिपेयर वॉज करेक्टली ट्रीटेड इन द कैश बुक बट वॉज क्रेडिटेड टू मोटर व्हीकल एसेट अकाउंट। इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या बनेगी? वन की ओरिजिनल एंट्री रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लिख लेते हैं समझने के लिए। इसमें आप लिखेंगे रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अमाउंट दिया हुआ है लॉन्ग एंट्री क्या बनाए? लॉन्ग एंट्री वॉज करेक्टली ट्रीटेड इन द कैश बुक, यानी कि कैश को तो क्रेडिट किया, क्रेडिट करना था क्रेडिट किया। के बाद बट वॉज क्रेडिटेड टू मोटर व्हीकल एसेट अकाउंट, तो मोटर व्हीकल को भी क्रेडिट कर दिया, एक्सपेंस को डेबिट करने के बजाय मोटर व्हीकल को क्रेडिट किया। डेबिट में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये हो गया एरर अफेक्टिंग फाइल बैलेंस। अच्छा अपनी प्रैक्टिस के लिए हम इसकी करेक्शन भी कर लेते हैं। करेक्शन क्या होगी इसकी? जी करेक्शन ठीक है। अब देखिए इसमें मैं रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करना था ना, तो रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, और ये हमने मोटर व्हीकल को गलती से क्रेडिट किया, इसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे और क्रेडिट में आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। ये रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, मोटर व्हीकल डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मोटर व्हीकल को हमने गलती से क्रेडिट किया, कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करना था डेबिट कर दिया, और क्रेडिट में आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। क्लियर क्लियर। एरर टू देखते हैं। एरर टू में क्या है? 360 रिसीव फ्रॉम ब्राउन वॉज अ कस्टमर वॉज क्रेडिट इन एरर टू द अकाउंट ऑफ ग्रीन। ये तो आपका कमीशन एरर हो गया, ठीक है तो इसकी तो जरूरत नहीं है, फ्री पे आ जाए, सिंपल है। 9,500 पेड फॉर रेंट वॉज डेबिटेड टू द रेंट अकाउंट एज 5,900। अच्छा टू की जरूरत है करेक्शन की, टू
करेक्शन क्या होगी, करवा दूं या कर लेंगे? सन्नाटे में क्यों चल रहे हैं? ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल ब्राउन, डायरेक्ट नाम लिख लेते हैं हम भी। 360 360, ठीक है। अच्छा, रॉन्ग एंट्री क्या बनाई? वॉज कैरेट इन एरर टू द अकाउंट ऑफ ग्रीन, कैश डेबिट और ग्रीन क्रेडिट कर दिया। 360 डेबिट, 360 क्रेडिट। करेक्शन क्या होगी? ग्रीन डेबिट ब्राउन क्रेडिट हो जाएगा। 360 360, इसकी करेक्शन हो गई। अकाउंट रिसीवेबल ग्रीन डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल ब्राउन क्रेडिट। एरर सी, 9,508 फॉर रेंट। अच्छा, ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। 9,500, 9,500। रॉन्ग एंट्री क्या बनाई इसने? वॉज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट एज 5,900। तो ये रॉन्ग क्या हो जाएगा? रेंट एक्सपेंस डेबिट 5,900 और कैश क्रेडिट कितने से होगा? कैश कितने से क्रेडिट होगा? 9,500। क्लियर मेंशन है कि वॉज डेबिटेड टू द रेंट अकाउंट एज 5,900। एरर कहां पे आ रहा है? रेंट अकाउंट में। करेक्शन क्या होगी? देखिए, हम रेंट एक्सपेंस को डेबिट करना था, 9,500 से डेबिट हमने किया 5,900, यानी कि ज्यादा अमाउंट से डेबिट करना था। कम से डेबिट किया तो मजीद डेबिट करेंगे। डिफरेंस निकाले, क्या बन रहा है? 3,600 से रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये इसकी करेक्शन हो जाएगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। क्लियर। एरर फोर, एन इररिकवरेबल डेट्स ऑफ 250 हैड बीन डेबिटेड इन एरर टू द परचेजेस अकाउंट। इररिकवरेबल डेट्स है। ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? रिकवरेबल डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री हैड बीन डेबिटेड इन एरर टू द परचेजेस अकाउंट। रॉन्ग क्या बन गई? परचेजेस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा, ये नॉट अफेक्टिंग हुआ। करेक्शन क्या होगी? तो देखिए, इरिकवरेबल डेट्स को डेबिट कर देंगे और परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये इसकी करेक्शन हो जाएगी, इरिकवरेबल डेट्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। क्लियर। तो ये करेक्शन। Error 5. No entries have been made to record cash sales. Simple क्या होगा? Cash debit, sales credit. अच्छा, तो affecting कौन से पे इसमें? 1 and 3, तो correct answer B हो जाए। ठीक है, option B का correct answer होगा, बाकी 5 की जरूरत नहीं है। Next. 221 रीड कर लें। 21
जी आंसर सी 4 जी सी लास्ट में सी आंसर ठीक है सी आंसर होगा 2 एंड 4। अच्छा प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर तो गया सी, बाकी प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 221। अच्छा एरर 1 क्या लिखा, पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ 6060 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन रेंट पेबल अकाउंट और कैश बुक। ये तो हो गया कंप्लीट ऑमेशन। करेक्शन क्या होगी, कैश रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये तो सिंपल हो गया 6160। एरर 2, बैलेंस ऑन मोटर एक्सपेंस अकाउंट 27,680 हैड इनकरेक्टली बीन लिस्टेड इन ट्रायल बैलेंस एज अ क्रेडिट। अच्छा तो मोटर एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में डेबिट होते हैं, इसने क्रेडिट पे रिकॉर्ड किया तो अफेक्टिंग होगा। अब करेक्शन क्या होगी इसकी, डबल से डेबिट करेंगे तो मोटर एक्सपेंस डबल से डेबिट होंगे और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मोटर एक्सपेंस डेबिट सस्पेंस क्रेडिट, इसका डबल कर लें क्या बन रहा है 27,680 × 2 55,360 55,360 करेक्शन हो गई। एरर 3, 6,160 प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मोटर व्हीकल हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट्स ऑफ द कैश बुक एंड क्रेडिट ऑफ मोटर व्हीकल एसेट अकाउंट। अच्छा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल हमने सेल की और कैश हमें मिला है 6,160, इसका एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट मोटर व्हीकल क्रेडिट, और उसने क्या एंट्री बनाई, डेबिट ऑफ कैश बुक क्रेडिट ऑफ मोटर व्हीकल, तो इसमें कोई एरर है ही नहीं तो एंट्री सही बनी है, कैश डेबिट मोटर व्हीकल क्रेडिट, ये एरर ही नहीं है। 6160। एरर 4, बुक में ये रेंट रिसीवेबल नहीं है, रेंट पेबल है, इसको अपने पास कट करके अगर किट है तो वहां लिख लें रेंट पेएबल, ठीक है, ये एरर है। अच्छा अब क्या, बैलेंस ऑन रेंट पेएबल अकाउंट has been omitted from the trial balance. So omit हो गया तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेते हैं तो रेंट पेबल कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पर, एंट्री क्या होगी, रेंट पेबल क्रेडिट और सस्पेंस डेबिट हो जाएगा 27,000, 21,520, 21,520। अब इसको जरा चेक कर लेते हैं, करेक्शन हमने सही किया नहीं की, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टी अकाउंट बनाते हैं सस्पेंस का, एक सस्पेंस अकाउंट बना भी लेते हैं तो इससे ये चेक भी हो जाएगा, अब जो एरर 4 मिस्टेक है वो भी कंफर्म हो जाएगी ना, तब चेक भी करवाते हैं, अकाउंट बनाते हैं सस्पेंस का, आपको ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल दिया हुआ है ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे क्या रहे, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस कितना 33,840, सॉरी बैलेंस किस साइड पर आएगा, डेबिट साइड पे, डेबिट साइड कम है ना, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा डेबिट 33,840। एंट्रीज पोस्ट करते हैं, फर्स्ट एंट्री नॉट अफेक्टिंग है, सेकंड में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहे 55,360 से, थर्ड वाली नॉट अफेक्टिंग है, फिफ्थ में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहे 21,250। अब इसका टोटल करते हैं,
अच्छा क्रेडिट का टोटल तो यही आएगा 55,360। आप डेबिट साइड का टोटल करें क्या बन रहा है? डेबिट साइड का टोटल भी कितना है? 55,360। दोनों साइड का टोटल सेम हो गया। बस अकाउंट क्लोज, इट मीन्स करेक्शंस हमने सही कर लिया। करेक्शंस के बाद सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो ये अपनी बुक्स में आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ये रेंट रिसीवेबल नहीं है, रेंट पेबल है। अभी कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ठीक है, बताइए, कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट 222। तो इसमें भी आपको एरर्स अफेक्टिंग बताने, सॉल्व करें। ठीक है, अच्छा जी, सी आर आई 1 एंड 5। बाकी बताएं। सी है जी, बी आ रहा है, बी बी सी सी। देख लेते हैं बी और सी में से कौन सा नंबर है। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर है सी 1 एंड 5। 1 एंड 5 कैसे, मुझे क्या पता क्या। अच्छा तो रीड क्या लेते हैं, 1 एंड 5 सी आंसर होगा। देखें क्या लिखा है, अ कैश रिफंड ड्यू टू कस्टमर ए वॉज करेक्टली ट्रीटेड इन द कैश बुक एंड देन क्रेडिट टू रिसीवेबल लेजर अकाउंट ऑफ कस्टमर। अच्छा कैश रिफंड है, कैश रिफंड की एंट्री क्या होगी और कैश क्रेडिट हो जाता है ना, तो 1 में ओरिजिनल होगी, अकाउंट रिसीवेबल ए डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट।
अमाउंट कितना है? अच्छा इसमें कोई अमाउंट नहीं है, अमाउंट की जगह क्रॉस डाल देते हैं। रॉन्ग एंट्री क्या बनाई? कैश क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल बी क्रेडिट हो गया ना, अकाउंट रिसीवेबल बी क्रेडिट, डेबिट कुछ भी नहीं किया, अफेक्टिंग हो गया, अफेक्टिंग। अच्छा करेक्शन क्या होगी इसकी? प्रैक्टिस के लिए करेक्शन भी कर लेते हैं, ठीक है। एरर क्या है? ए को डेबिट करना था, बी को क्रेडिट किया, तो पहले हम बी को डेबिट करते हैं, कैंसिल हो जाएगा, और फिर ए को डेबिट करना था तो डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट में आ जाएगा सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। एरर वन हो गया अफेक्टिंग। टू, withdrawal of goods by Smith for own use was recorded by debiting sales, crediting purchase. अच्छा देखिए double entry बन रही है ना, debit sales credit purchase, तो double entry complete हो रही है, not affected. Wrong है लेकिन double entry तो बन रही है ना, debit credit record हो रहा है, तो affecting नहीं होगा ये, ठीक है। लेकिन इसकी original entry क्या होगी? original entry drawings debit or purchases credit, ठीक। अब wrong entry क्या बनाई इसमें? wrong wrong entry क्या बनी? debiting sales crediting purchase, sales debit purchases credit, ठीक। ये affecting हुआ not affecting हुआ? नॉट अफेक्टिंग है ना, ठीक। करेक्शन क्या होगी? अब इसमें एरर क्या? ड्रॉइंग को डेबिट करना था, सेल्स को डेबिट कर दिया ना, तो अब हम क्या करेंगे? पहले तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करके कैंसिल कर दें, और फिर हमें ड्रॉइंग्स को डेबिट करना था, डेबिट कर देंगे, ठीक। करेक्शन हो जाएगी ड्रॉइंग डेबिट सेल्स क्रेडिट, क्लियर? थ्री, टोटल ऑफ कॉन्ट्रा बिटवीन पेबल एंड रिसीवेबल। कॉन्ट्रा की एंट्री क्या होती है? अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इसने क्या किया? पेबल एडमिन क्रेडिट इन एरर टू सेल्स अकाउंट, यानी कि रिसीवेबल को क्रेडिट करने के बजाय सेल्स को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। देखिए ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है। रॉन्ग एंट्री क्या बनी है? अकाउंट्स पेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, यानी कि रिसीवेबल को डेबिट करने के बजाय सेल्स को क्रेडिट कर दिया। करेक्शन क्या होगी? अच्छा ये सेल्स को हमने गलती से क्रेडिट किया, तो पहले तो ये डेबिट हो जाएंगे, और जो रिसीवेबल्स को क्रेडिट करना था आप उसे क्रेडिट कर देंगे, इसकी करेक्शन हो जाएगी सेल्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, ये हो गया नॉट अफेक्ट, ठीक। फाइव, सम ऑफ द कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर हैड बीन यूज्ड टू पे सैलरी एक्सपेंस बिफोर बैंकिंग द रिमेनिंग रिसिप्ट, ये कौन सा एरर हुआ? एरर है नहीं है? एरर तो है, क्या एरर है? क्या एरर है? कह रहे कि आपने कैश मिला आपको कस्टमर से, उससे आपने एक्सपेंस पे किए, और जो बाकी पैसे बचे बैंक में जमा नहीं करवाए, तो उसमें क्या एरर हुआ? पहले बैंक में जमा करवाए थे, लेकिन फर्ज है पहले थोड़े से एक्सपेंस पे कर, क्या हुआ? तो ये वो कोई एरर नहीं है ना, ठीक है। तो ये कोई एरर नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है, कि कैश रिसीव हुआ, आपने एक्सपेंस पे किया, जो बाकी पैसे बचे बैंक में जमा नहीं करवाए, तो क्या हुआ? नहीं करवाए तो नहीं करवाए, तो ये कोई एरर नहीं है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन। अच्छा नंबर फाइव, 5,800 पेड फॉर प्लांट रिपेयर। अच्छा इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, 5,800, 5,800,
अब लॉन्ग एंट्री क्या बनी, वॉज करेक्टली ट्रीटेड इन द कैश बुक, यानी कि कैश तो हो गया क्रेडिट, ठीक है, एंड क्रेडिटेड टू प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट अकाउंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट को भी क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट में कुछ भी नहीं आया, ठीक। कलेक्शन क्या होगी इसकी जी, करेक्शन। अब देखिए हमें प्लांट एंड इक्विपमेंट को गलती से क्रेडिट किया, इससे पहले डेबिट करेंगे, और रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करना था इसे भी डेबिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डबल कितना हुआ 9,600 आ जाएगा, टोटल कितना 11,600, सही, ये इसकी करेक्शन हो जाएगी, एरर 5। तो अब इसमें अफेक्टिंग कौन से हुए, 1 और 5, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होता है, 1 और 5। चलें अच्छा क्वेश्चन नंबर 223, अच्छा ये बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको फिलहाल होल्ड पर रखें। अच्छा 224, इसका आंसर बताएं, जी 224, आसान है 224। चलिए बाकी बताएं, एक आंसर सी सी, आपका सी है। अरे बॉयज पहले गए थे रिलेटिव रिस्पेक्टिव ऑफ फॉर, डिस्काउंट रिसीव डेबिट होता है क्रेडिट होता है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, डबल एंट्री क्या होती है, अकाउंट्स पेबल डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। अब उसने डिस्काउंट रिसीव को रॉन्ग साइड पे रिकॉर्ड किया, यानी कि क्रेडिट करना था डेबिट किया, अब करेक्शन क्या होगी, डबल से क्रेडिट करेंगे ना, तो डिस्काउंट रिसीव डबल से क्रेडिट होगा और सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा, डी आंसर होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 400 होगा, ठीक है, साइड चेंज होती है तो इफेक्ट्स डबल हो जाता है। 225 आप कह रहे हैं भी सी सी क्या लिखा, नॉट कॉज एन एंट्री ना, मतलब नॉट अफेक्टिंग बताना है, नॉट अफेक्टिंग तो सी क्यों, क्योंकि ओमिशन लिखा हुआ है। अच्छा अब ओमिशन भी एक चीज बता दूं आपको, देखिए ओमिशन दो तरह के होते हैं, एक तो ये कि आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, वो होगा नॉट अफेक्टिंग, और सेकंड ऑप्शन क्या है, आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हुए आप
किसी भी अकाउंट का बैलेंस लिखना भूल गया, वो अफेक्टिंग होगा नॉट अफेक्टिंग? 10 अकाउंट है आपके, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, 90 अकाउंट्स का बैलेंस आपने लिखा, 10th का बैलेंस लिखना भूल गए, ट्रायल बैलेंस इक्वल होगा? कैसे होगा? 10th अकाउंट से 90 अकाउंट्स का बैलेंस आपने लिखा, 10वें का बैलेंस लिखना भूल गए, तो ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं, ये भी ऑमिशन ही कहलाएगा ना। तब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? ट्रायल बैलेंस की। ऑमिशन ऑफ एन इररिकवरेबल डेट रिटन ऑफ फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस पे लिखना भूल गए, ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा, ये होगा अफेक्टिंग। और वो जो नॉट अफेक्टिंग होता है क्या, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, डेबिट क्रेडिट वो नॉट अफेक्टिंग है, और ट्रायल बैलेंस में अगर बैलेंस लिखना भूल गए तो वो अफेक्टिंग होता है। सी अफेक्टिंग है, नॉट अफेक्टिंग नहीं है। बी 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 है, बी जी साइड, हाँ बी आंसर है क्योंकि ये एरर ही नहीं है। हाँ बी आंसर क्यों है, क्योंकि एरर ही नहीं है ना। अभी हमने बात की थी डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, क्रेडिट, उसने क्या किया, क्रेडिट पे लिखा है ना, क्रेडिट पे लिखना था, क्रेडिट पे ही लिखा, तो ये कोई एरर नहीं है, एरर ही नहीं है। तो ए एरर होगा, ड्राइंग डेबिट होती है, इसने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की, डेबिट्स लिखना भूल गया अफेक्टिंग, और ये कैश का बैलेंस था 680, रिकॉर्ड उसने किया 1860 से, तो अफेक्टिंग होता है। करेक्ट आंसर बी, ये एरर ही नहीं है। सस्पेंस अकाउंट इज ओपन विद अ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का बात है, जब ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो, क्रेडिट साइड का टोटल कम, सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है क्रेडिट पे। अच्छा, यू डिस्कवर दैट दिस इज कॉज्ड बाय अ सिंगल एरर इन जर्नल लेजर, Which of the following could therefore have caused the imbalance? तो रीजन बतानी है। अब क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट ओपन हो रहा है क्रेडिट पर, और क्रेडिट पे कब आता है, जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो, क्रेडिट साइड का टोटल कम, सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा क्रेडिट पर। अब आपको वो एरर बताना है जिसकी वजह से डेबिट साइड कम हो जाए, क्रेडिट नहीं, डेबिट साइड ज्यादा हो, क्रेडिट साइड कम। अच्छा, एरर ए, ये पहले बात, एक टॉपिक है हमारा पेरोल का, वो भी हमने पढ़ा नहीं है, उसमें ये चीजें आएंगी आपके, इनकम टैक्स, सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन, बाकी आपने लेबर में पढ़ा होगा, इनकम टैक्स और एनआई पढ़ा होगा ना, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन वगैरह, डिडक्शन होती है सैलरी से। तो इनकम टैक्स और सोशल सिक्योरिटी ये क्या डिडक्शन हैं जो सैलरी से की जाती है, ठीक है। अच्छा, इसकी एंट्रीज आपने वहां नहीं बनाई होंगी, एंट्रीज नहीं बनाई ना, बनाई लेबर पढ़ लिया आप लोगों, तो एंट्रीज तो नहीं बनाई ना वहां पे, ठीक है। इसके एंट्रीज हम बनाएंगे, जो टॉपिक है हमारा पेरोल का, उसमें इसके आपको कंप्लीट एंट्रीज बनाएंगे, एमए में नहीं है, ये एफए में होता है, ठीक है। तो फिलहाल बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हद तक एंट्रीज तो हम बनाएंगे बाद, तो फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करने के हद तक बता दो, जो भी अमाउंट डिडक्ट होता है ना सैलरी से, वो एंट्री में आता है क्रेडिट साइड, ठीक है। बस फिलहाल ये ध्यान में रखेंगे, जो भी अमाउंट सैलरी से डिडक्ट होगा, वो इनकम टैक्स हो, एनआईसी हो, कुछ भी हो, जब एंट्री बनाएंगे तो एंट्री में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए इसका बताएं, इसका इफेक्ट क्या होगा, हैव बीन क्रेडिटेड एंटर ट्वाइस इन डिडक्शन कंट्रोल अकाउंट, दो बार एंटर कर दी, यानी कि एक बार क्रेडिट करना था, दो बार क्रेडिट किया आपने, इससे क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, डेबिट साइड कम हो जाएगी, तो ए आंसर नहीं होगा, हमें क्या बताना, जो डेबिट ज्यादा हो क्रेडिट कम हो जाए। बी लेते हैं, रिसीवेबल लेजर अकाउंट पेबल लेजर कॉन्ट्रा हैज बीन एंटर्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बोथ कंट्रोल अकाउंट, दोनों अकाउंट्स को हमने क्रेडिट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, तो क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा, डेबिट कम, तो बी भी आंसर नहीं होगा। ओपनिंग accruals फॉर टेलीफोन चार्जेस, accrual means होते हैं अनपेड एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस के लिए टर्म यूज करते हैं accruals, ठीक है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड पर आएगा, अनपेड एक्सपेंस है तो आपके लिए वो क्या है, लाइबिलिटी होगी ना, अनपेड एक्सपेंस,
राइट, इसका ओपनिंग कहां पर आएगा, क्रेडिट पर, ठीक है। जिसने क्या किया, बिगिनर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लेजर, क्रेडिट पे लिखना था, डेबिट पे रिकॉर्ड किया, इससे क्या होगा, डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगी, क्रेडिट साइड कम हो जाएगा, सस्पेंड अकाउंट ओपन होगा क्रेडिट पे, आंसर सी होता है, सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक्चुअल्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, इसमें रिकॉर्ड किया डेबिट पे, इससे डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगी, क्रेडिट साइड कम हो जाएगा। डी, क्लोथिंग इन्वेंटरी हैज बीन एंटर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, याद है हमने स्टार्ट में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाई थी, 7.1, 2, 3, 9.3 ट्रायल बैलेंस गिवन था, उसको देखकर हम बना रहे थे इनकम स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस में क्लोथिंग इन्वेंटरी किस साइड पर आती है, आती है नहीं आती, ट्रायल बैलेंस में क्लोथिंग इन्वेंट्री अगर याद हो, ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है, क्लोथिंग इन्वेंट्री नहीं होती, वो ट्रायल बैलेंस के बाद गिवन होती है ना आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं, क्लोथिंग इन्वेंट्री नहीं आती। अच्छा, इसने क्या किया, क्लोथिंग इन्वेंट्री को दोनों साइड पर एंटर कर दिया, डेबिट पर भी क्रेडिट पर, उससे कोई इफेक्ट होगा, नहीं आएगा, क्योंकि क्लोथिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करते, और उसने दोनों साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट पे भी और क्रेडिट पर भी, तो दोनों साइड का टोटल सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो एरर डी का ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। क्लियर, अच्छा ये क्वेश्चन 227 ये बाद में सॉल्व करेंगे, 228 सेल्स टैक्स ऑन परचेज टू द रॉन्ग साइड ऑफ सेल्स टैक्स अकाउंट, अच्छा सेल्स टैक्स ऑन परचेज किस साइड पर आता है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट होता है, परचेजेस डेबिट तो सेल्स टैक्स भी डेबिट, इसने क्या किया, रॉन्ग साइड यानी कि क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर, डेबिट करना था क्रेडिट कर, करेक्शन क्या होगी, करेक्शन करेक्शन सेल्स टैक्स को डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, डबल से डेबिट कर देंगे, सेल्स टैक्स डबल से डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, करेक्शन होगी इसकी, आंसर हो जाएगा ए, सेल्स टैक्स डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, 229 सस्पेंस अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 130, क्रेडिट बैलेंस आ रहे मीन्स डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम, रीजन बता दें, अच्छा यहाँ सेल्स लाइजर का मतलब सेल्स का टी अकाउंट नहीं है, ये सेल्स का टी अकाउंट की बात नहीं हो रही, याद होगा डे बुक्स में हमने पढ़े थे सेल्स लाइजर परचेज लाइजर, सेल्स लेजर में हम बनाते हैं हर कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट रिसीवेबल, और परचेज लेजर में हम हर सप्लायर का इंडिविजुअल अकाउंट बना, ठीक है, यहाँ सेल्स लेजर की बात हो रही है, सेल्स लेजर में रिसीवेबल अकाउंट बनते हैं ना, हर कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट होता है, और उसमें सेल्स कहाँ पर आती है, डेबिट पे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो यहाँ बात हो रही है सेल्स लेजर की, तो मीन्स आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करना भूल गए, इससे डेबिट साइड कम होगी क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगी, तो ए आंसर नहीं, ये सेल्स लेजर लिखा हुआ है यहाँ पे, सेल्स अकाउंट नहीं लिखा हुआ, अगर सेल्स अकाउंट लिखा होता तो ये आंसर हो जाता, ये सेल्स लेजर है, लेजर में टी अकाउंट बंद, बी रिकॉर्डिंग परचेज 130 ट्वाइस इन परचेज अकाउंट, तो परचेज डेबिट होती है, उसने दो बार डेबिट किया है,
जैसे डेबिट साइड बढ़ जाएगी, क्रेडिट साइड कम हो जाएगी, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा, क्रेडिट साइड पर आंसर बी हो जाएगा। सी बताएं, अफेक्टिंग या नॉट अफेक्टिंग? सी, फेलिंग टू राइट ऑफ मीन्स ऑमिशन हो गया ना, कि बैड डेट्स रिकॉर्ड करना भूल गए, नॉट अफेक्टिंग। डी, डी अफेक्टिंग नॉट अफेक्टिंग, डी अफेक्टिंग नॉट अफेक्टिंग, नॉट अफेक्टिंग है ठीक है। देखिए डबल एंट्री बन रही है ना, डेबिटिंग बैंक, बैंक डेबिट हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्रेडिट, तो डबल एंट्री कंप्लीट हो रही है, तो ये नॉट अफेक्टिंग होगा, एरर है लेकिन नॉट अफेक्ट, क्योंकि इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, और उसने क्या किया, बैंक डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्रेडिट, तो ये हो गया कंप्लीट रिवर्सल, नॉट अफेक्ट ठीक है। ओके, तो काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मतलब बाकी क्वेश्चंस।